लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, जय हो मेरी राधा रानी की। आज के आनंद की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, जय हो मेरी राधा रानी की। सभी भक्तों को राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो, श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी अपने दिन की शुरुआत और हमारे इस लाइव की शुरुआत श्री जी की चौखट पर मत्था टेक कर करेंगे। आप सभी राधे राधे बोलते रहेंगे, श्री जी आप सभी पर कृपा करेगी। तो आप सब यहाँ मानसिक रूप से श्री जी के श्री चरणों में अपनी हाजिर लगाएं और राधे राधे बोलते रहें। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो, जय हो मेरी राधा रानी की। और आप इस मानसिक रूप के साथ के दर्शन के साथ साथ आपको श्री जी बहुत जल्द ही बरसाना धाम बुला लेंगे, क्योंकि जिन्होंने मानसिक रूप के दर्शनों से श्री जी से जो मांगा ना, बरसाना धाम मांगा, बरसाना वास मांगा, ब्रजवास मांगा, तो श्री जी ने अवश्य उन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की। और ये हमारी श्री राधा रानी का भोग भंडार का जो रास्ता है, इसी रास्ते से श्री जी को जब भोग जाता है और श्री जी की जो सेवाएं भोग राग सेवाएं होती है वो यहीं से होती है। यहाँ अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यहाँ गोस्वामी परिवार की गोस्वामिन और श्री जी की पुजारिन रहती हैं। आप सभी यहाँ राधे राधे बोलते रहें और लाइव को शेयर करते रहें, ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे, सभी को आनंद प्राप्त होता रहेगा। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। और श्री जी की जो महल में जो पंखे की जो सेवा होती है, जो हमारे तुलसीदास बाबा जो पंखा करते हैं, मैं आज आपको बता दूं कि जो श्री जी का जो पंखा है वह यह डोरी से पकड़कर इसे खींचते हैं बाबा, और यह डोरी आगे की ओर जा रही है और आगे बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है, जो कि इस डोरी के हिलने से गर्भगृह में हवा पहुंचती है। तो ये सेवा सच में बहुत पहली सेवा है। जब लाडली जी के महल में तब से यह पंखा सेवा हो रही है, तब श्री जी के महल में इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी। श्री जी के महल में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, रात्रि रात्रि भर लाइट चली जाया करती थी। पहले कहाँ इतनी लाइट आती थी, ना इन्वर्टर थे। जितनी आती थी तो उस वजह से एक विचार किया गया कि क्यों ना बाहर से पंखा सेवा की जाए, क्योंकि बाहर से पंखा सेवा करने का भी मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जो ये जो पंखा की जो सेवा है वो बाहर से इसलिए रखी गई ताकि बाहर के भक्त जो लोग हैं, जैसे तुलसीदास जैसे भक्त, ऐसे संत इस सेवा के भागीदारी बन सके। होने को तो अंदर से भी हो सकती थी, लेकिन इस सेवा को इतना दिमाग लगाया गया कि यहाँ आगे से यह एक डोरी है, डोरी के जरिए इसे इतना लंबा बांधा गया है। जूट की एक डंडी होती है जो कि एक सीज़न ही चल पाती है, एक गर्मियों के सीज़न चल पाती है, उसके बाद हर बार पंखे की जो सेवा है अलग बार नई नई होती रहती है। तो इस वजह से यह सेवा रखी गई ताकि और भी भक्त श्री जी की यह पंखा सेवा कर सकेंगे। और सभी इसी तरह लाइव से जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। और आज सैटरडे के दिन, सैटरडे है, महल में रस है, बैलून डेकोरेशन है, बहुत सुंदर आनंद है। श्री जी के महल में 56 भोग के दर्शन है और बहुत सुंदर आनंद बरस रहा है। आप सभी यहीं से श्री जी के महलों के 56 भोग के दर्शनों का आनंद लें। और महल में बैलून की डेकोरेशन हो रही है, बहुत सुंदर बैलून डेकोरेशन है। आप सभी जुड़कर आनंद लें और देखिए किस तरह से 56 भोग श्री जी के महलों में लगाए जाते हैं। और जो भी भक्त श्री जी के महलों में ये सेवाएं रखते हैं, श्री जी उन पर खूब कृपा करती है। सैटरडे के दिन काफ़ी रश है श्री जी के महलों में, सभी भक्त लाडली जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्री जी सभी पर कृपा करेगी, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहेगी। जय हो मेरी राधा रानी की,
जय हो विश्वभान दुलारी की, आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। आप सभी से यही अनुरोध है कि सभी कमेंट करके बताते रहिए कि आज हमारी किशोरी जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी, श्री जी आज कौन से रंग में आज भक्तों को दर्शन दे रही होंगी, और आज हमारी किशोरी जी के महल में भव्य फूल बंगले के दर्शन भी हो रहे हैं। बहुत सुंदर बंगला है श्री जी के महलों का, और आप यहाँ इस प्यारे से बंगले की इस छोटी सी छवि के दर्शन कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि श्री जी के महलों में फ़ोटो लेना बिल्कुल वर्जित है। और इस फोटो और वीडियो की बात पर मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए, यह आप सभी को शायद एक ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले एक श्रृंगार जो हो रहा था, श्री जी का श्रृंगार कंप्लीट हो गया था, तब किसी ने यहाँ से इसी स्थान से एक छुपके से एक श्री जी की वीडियो बनाई, जिसमें मैं श्री जी के श्रृंगार कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि यह अपराध कौन कर रहा है, यह अपराध कौन कर रहा है। लेकिन मैं आप सब से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वह आप तक वीडियो भी आए तो आप शेयर ना करें, क्योंकि जिन्होंने भी इस अपराध को किया है वो तो इसका भागी बनेगा, श्री जी उसे अवश्य दंड देंगी, श्री जी उसे अवश्य दंड देंगी। लेकिन अगर आप तक वह वीडियो आती है फेसबुक के जरिए, किसी और के जरिए, अगर आप भी उसे शेयर करेंगे तो आप भी उस पाप के भागीदारी में शामिल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने श्री जी से भी यही कहा कि हे श्री जी, जिसने भी यह अपराध किया है, आपके श्रृंगार के समय यह वीडियो बनाया है, लाडी जू ये बहुत अपराध में है जो है, क्योंकि श्री जी के श्रृंगार के समय वीडियो बनना, वैसे ही हम तो हमेशा इसके खिलाफ वर्जित है कि हम तो कभी फोटो के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि ब्रज में रतन राधिका गोरी, क्योंकि ब्रज का जो रतन है वो है श्री राधिका गोरी, और इस रतन को हम अपने मोबाइल में कैद कर लें, श्रृंगार करते हुए श्री जी को कैद करें, ये कहाँ का न्याय है। श्री जी अवश्य अवश्य इसका फल देंगी, अवश्य इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिसने भी इस वीडियो को बनाया है ना, जल्द ही देखना इस अपराध की उसे सजा मिलेगी। और मेरे तक बहुत लोगों ने यह शेयर किया कि भैया आप इसमें श्रृंगार कर रहे हैं, तो आप सबको एक ज्ञात भी होगा, मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि आप उस वीडियो को क्लियर बहुत ध्यान से देखिएगा कि उसमें मेरा ध्यान कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, क्या मुझे पता था, ये सब आपको उस वीडियो में पता चलेगा कि मेरा ध्यान श्री जी के श्रृंगार में था, मुझे पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं उसी समय उस मोबाइल को छीन कर उसमें वीडियो को डिलीट कर देता। आज मेरे पास जो वीडियो आती है, मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया आप तो फोटो नहीं खींचने देते, आप तो वीडियो कॉल नहीं कराने देते, लेकिन यह वीडियो कैसे बना, तो मैंने बस यही कहा कि मैं श्री जी के श्रृंगार में इतना बिजी था कि मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी यह अपराध किया है श्री जी उसे अवश्य सजा देगी, क्योंकि यह लाडी जी के श्रृंगार के समय का जो वीडियो, जो जिसने भी यह अपराध किया है ना, श्री जी उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। हाँ ये जरूर है श्री जी भोरी है, श्री जी भोरी है, लेकिन जो पीछे वाले जो बैठा है ना, जो गैया चलाने वाला जो ठाकुर है, वो कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और आपसे भी यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी यह वीडियो आए तो इसे शेयर ना करें, क्योंकि श्री जी के श्रृंगार की जो वीडियो है, जिसने भी किया उसे तो अपराध मिलेगा, लेकिन आप तो इस अपराध के भागी ना बने, बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि जिसने किया है श्री जी उसे दंड देंगी, लेकिन हम इस दंड से दूर रहें। और मैं अभी भी हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे कि आप सब लाडली जी के जो दर्शन हैं, मानसिक रूप से दर्शन करें, क्योंकि मानसिक रूप से श्री जी कृपा करेंगी। एक बात बताइए कि श्री जी के समक्ष आने से श्री जी कृपा करेंगी, अरे भैया मन में अगर विश्वास है तो श्री जी अवश्य कृपा करेंगी, क्योंकि भक्ति की जो अटूट भक्ति है ना, अटूट भक्ति अगर हम मन से करें, तन से करें, या फिर जैसे भी हमें करनी है, श्री जी को कृपा करनी है, वो कृपा करके ही रहेंगी। और आज एक मैंने बहुत सुंदर एक मैसेज से पढ़ा, सबसे हमारे लाल जू का जो चंदन है, आप सभी श्री जी का यह भव्य फूल बंगला,
जो आप दर्शन कर रहे हैं श्री जी का भव्य फूल बंगला है, बहुत सुंदर बंगले में हमारी किशोरी श्री जी के भव्य बंगले के आप दर्शन कीजिए। और आज हमारे लाल जू ने मस्तक पर एक एक बारीक लाइनिंग से बहुत सेव में एक एक बारीकी से चंदन लगाया हुआ है और उनके गालों पर वो मोटा मोटा प्यारा सा पुष्पों का चंदन सच में अद्भुत लग रहा है। ऐसा प्यारा सा चंदन जो आप हमारे मस्तक पर भी देख रहे हैं कि हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ठाकुर जी का प्रसादी चंदन मिल जाता है, तो ये कृपा नहीं तो क्या है। इसी चंदन के ऊपर एक बार एक फॉरेन कंट्री के भक्त वृंदावन में एक शॉप से चंदन खरीद रहे थे, तो उस भक्त ने उससे पूछा कि इस चंदन की एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब एक्सपायर होगा। तो उस दुकानदार के एक बच्चे ने बहुत खूब ऐसा जवाब दिया कि अंग्रेज सोच में पड़ गया, जो फॉरेन कंट्री का भक्त है वो सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा इस चंदन की तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन इस चंदन के लगाने से आपकी डेट है जो एक्सपायरी डेट है वो ज़रूर बढ़ जाएगी। ऐसा है जय चंदन। आपकी डेट बढ़ जाएगी, इसकी तो एक्सपायरी जो भी है लेकिन आपकी डेट बढ़ जाएगी। तो सच में श्री जी का जो प्रसादी चंदन का आनंद ही अद्भुत है। आप सभी आनंद लें लाडी जू के महलों के इन दिव्य फूल बंगले और छप्पन भोग के दर्शनों का, और राधे राधे बोलते रहें। और आज हमारी किशोरी जू की जो पोशाक का जो कलर है वो आज पिंक कलर की पोशाक में हमारी किशोरी जू भक्तों को दर्शन दे रही हैं जी। हमारी किशोरी जू ने आज पिंक कलर की बेबी पिंक कलर की पोशाक पहन रखी, बेबी पिंक। देखिए किस तरह से आज श्री जी की पोशाक है, इसमें हरे कलर का गोटा है, बहुत सुंदर पोशाक है आज हमारी किशोरी जी की। आप सभी आनंद लेते रहें। और कौन कौन भक्त हमारे साथ जुड़ रहा है कि सबसे पहले तो हम नित्य प्रति लीलाओं के साथ जुड़ते हैं और नित्य प्रति हम उन जीवों के साथ जुड़ते हैं। सच में आप सबका मैं इतना आभार कहता हूँ, इतना धन्यवाद कहूँ कि आप उन जीवों के बारे में सोचते हैं, आप उन जीवों के बारे में सोचते हैं नित्य प्रति जो सेवाएं रखते हैं। श्री जी आप सब पर कृपा करेगी, आप सभी को बरसाना धाम बुलाएगी, और ये मेरा विश्वास है कि उनकी दुआओं से और सभी भक्तों के आशीर्वाद से आप स्वस्थ रहेंगे। श्री जी की कृपा आप पर बरसती रहेगी और आप बहुत जल्दी जल्दी बरसाना धाम आते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और जिन्होंने ये सेवा की है उनसे पूछिए कि उनके मन में क्या प्रसन्नता हुई है, क्या आनंद आया है। कितने भक्त तो बरसाना धाम आ चुके हैं और कितनों के साथ ऐसे चमत्कार हुए हैं। श्री जी के चमत्कार इतने अद्भुत हैं कि आप सभी ने सुना है, महसूस किया है, आप यह देख सकते हैं। श्री जी की करुणा का कुछ ना ठिकाना, क्या पता कब किसे दे दे बरसाना। लाडली जू की करुणा का कुछ ना ठिकाना, क्या पता कब किसे दे दे बरसाना। ऐसी है हमारी किशोरी जू कि इसकी करुणा का कुछ नहीं पता, इसकी करुणा की कुछ नहीं पता कि क्या कब किसे बरसाना दे दे। तो हमारे साथ जो भक्त जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा जी, बीना देवी जी, राधे कृष्ण जी, सोनी हुरैया जी, वंदना जी, प्रियंका गुप्ता जी और राधे सिंह जादव जी, महक तारला जी, सीमा बाडरा जी, रामवीर जी, कृष्णा दीक्षित जी, नितिन पांडे जी, ममता पंडित जी, सुमन सिंह जी, जेबी गुप्ता जी, कुमार मोदी जी, सुनील सुमन जी, बीना जी, लक्ष्मी शर्मा जी, माही शुक्ला जी, ज्योति जी, लवकुश, ज्योति जी के जो बच्चे हैं लवकुश, आज हम उनके लिए एक हाजिर लगाएं कि श्री जी उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और वह श्री जी की भक्ति से जुड़े। लक्ष्मी शर्मा जी, मीना शुक्ला जी, सभी को राधे राधे। माही शुक्ला जी, पूजा बब्बर जी, सुचेता जी, कमलकांत जी, लवली कुमार जी, प्रियंका चौहान जी, अंकिता जी, कृति अग्रवाल जी, कंचन अग्रवाल जी, रेवती गोयल जी, प्रेम सैनी जी, आर पतियार जी, शैली कटारिया जी, समीक्षा शर्मा जी, खुशबू रानी जी, साक्षी जी, कंचन मिश्रा जी, सुनीता सक्सेना जी, मधु शर्मा जी, अनु खन्ना जी, सोनी जी, ज्योति सिंह जी, दर्शन रेवड़िया जी, हरदासी जी, शशि ठाकुर जी, हिमांशु जी, नेहा गोयल जी, बांसुरी जी, भानु राजपूत जी, नरेश गर्ग जी, श्रीदेवी जी,
नेहा गोयल जी, दीक्षा कुश जी, संगीता जी, निशिरानी जी, सपना कौशल जी, पूनम आहूजा जी, कोमल जी, सरका जी, रूबी जी, प्रशांत जी, शिवाली जी, डिम्पल खन्ना जी जो कि लुधियाना से हमारे हर लाइव सेशन देखती हैं, श्री जी उन पर खूब कृपा करें और खूब उनको बरसाना धाम बुलाती रहे। ये हमारी लाड़ी जी का आज का जो बंगला है, आप सभी दर्शन कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। लता शर्मा जी, प्रेम लता जी, सभी को राधे राधे। और सच बताऊं कि जब एक पल के लिए भी अगर लाइट चली जाती है ना, तो श्री जी का जो चंदन है, जैसे कि आप खुद देख रहे होंगे कि जैसे हमने जो चंदन लगा रखा है ना, जैसे एक तरफ से सूखा है, दूसरी तरफ से गीला है। क्यों? क्योंकि पसीनों की इससे जो हमारे पसीने आते हैं ना, उससे चंदन गीला हो जाता है। सेम वही पसीने अगर हमारी जब किशोरी जी को आते तो उनका चंदन भी गीला हो जाता है। ये हमारी विग्रह साक्षात हमारी श्री जी हैं। आयुषी वर्मा जी, राधे राधे। श्री जी सभी पर कृपा करेंगे, सभी को बरसाना धाम बुलाते रहें। पवित्र सिंह जी, सभी को राधे राधे। अब मैं अपना लाइव सेशन विराम करता हूँ और आप सभी से यही अनुरोध है कि जो भी उन्हें जीवों के लिए सेवा रखना चाहे, आज की सेवा जो भी कोई रखना चाहे, आज आपके द्वारा ही सेवा होनी है। आप जो भी सेवा करेंगे वो वहाँ तक पहुँचेगी। तो आज जो भी उन जीवों के लिए सेवा रखेगा, आज शनिवार का दिन है, साक्षात बजरंगबली का दिन है, पर आज आप अगर जो मेरा लाइव देख रहे हैं, अगर आप उनमें से किसी भक्त के मन में अगर भाव उनके प्रति अगर जाग रहे हैं, अगर श्री जी कृपा कर रही है आपके ऊपर, तो आप अवश्य उन जीवों के लिए एक छोटी सी सेवा से उनकी दुआएं पा सकते हैं। और हम नित्य प्रति दान बिहारी महाराज के महल में हाजिर लगाते हैं। अरुणा सहगल जी, राधे राधे। और हम मोनिका कटारिया जी, राधे राधे। और हम दान बिहारी से यही प्रार्थना करते हैं कि श्री जी पूरे परिवार पर कृपा करती रहे, सभी भक्तों पर आनंद बरसता रहे। निर्मला भद्रा जी, राधे राधे। सभी को जय जय श्री राधे। राधे श्याम श्री लाडी लाल की जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। राधे राधे। सभी को जय जय श्री राधे। अगर कोई भी भक्त आज शनिवार के दिन अगर उन जीवों के लिए सेवा करना चाहता है तो मेरा ऊपर नंबर है 90 वाला, वहाँ व्हाट्सएप कॉल करके जानकारी ले सकता है कि कैसे सेवा करनी है। और थोड़े थोड़े बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर ज़रूरी नहीं पूरी सेवा ना हो, थोड़ी थोड़ी सेवा से भी हम उन जीवों के साथ सेवाएं रख सकते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे श्याम। जय हो मेरी राधा रानी।